हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम विद्युत रसायन चैप्टर में कक्षा 11वीं के टॉपिक से चालकता को प्रभावित करने वाले कारक एवं चालकता का मापन, इसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर पिछले कालखंड में हमने तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास किया। अब हमको यहाँ पर आगे उसी चालकता से संबंधित टॉपिक है, इसमें चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चर्चा करने जा रहे हैं हम चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर प्रभावित करने का हम सीधा सीधा एक सामान्य रूप से हम समझते हैं कि जो बढ़ रहा है या बढ़ेगा तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है, या कोई कारक लेंगे तो उस कारक के प्रभाव से वो हम चालकता, अभी फिलहाल चालकता की बात कर रहे हैं, तो चालकता बढ़ेगा या घटेगा हम इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो पहला लिखेंगे यहाँ पर तनुता, तनुता का प्रभाव। तनुता का सीधा सीधा सामान्य शब्द में कहेंगे, इसमें सामान्य रूप से तनु करना का मतलब या तो पानी में मिलाना या तो पानी को मिला देना। अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, कहीं कहीं पर हम पानी में मिलाते हैं या कहीं पर पानी को मिलाते हैं। जैसे मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिलियन है, जैसे मान एक उदाहरण के लिए रहूँ, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन, इसमें कुछ मात्रा घुली हुई है बिलियन के रूप में, NaOH नहीं है बल्कि क्या है बता, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जेली बिलियन है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लो हमको इसको तनु करना, एक शब्द आ रहा है तनु करना, डाइल्यूट कर देना, इसका मतलब है या तो पानी में मिलाते हैं या तो पानी को मिलाते हैं। वो परिस्थितिवश होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है जिसमें कांच के फूटने की, जिसमें क्योंकि हम रसायन में अधिकांश कांच का उपयोग करते हैं, कांच के पात्र का, तो हो सकता है ज़्यादा ऊष्मा क्षेत्रीय विक्रिया होने के कारण से वो कांच टूट सकता है, इसीलिए हम कभी कभी पानी मिलाते हैं या तो पानी को मिलाते हैं। जैसे इसमें मान लो हम पानी को मिला दें, चलिए समझने के लिए, तो हम इसको अभी सरल शब्द में कहेंगे क्या कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं, तो सीधा मतलब पानी को मिला रहे हैं। तो इस प्रकार से तो बहुत ज़्यादा प्रबल विद्युत भट्ट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, पानी को पहले डाल देते हैं, उसमें बूंद बूंद करके हम जिस पदार्थ को मिला रहे हैं उसको मिलाते हैं। तो घुमा फिरा करके हम सरल शब्द में आगे और न बोलते हुए हम एक ही शब्द समझ सकते हैं कि पानी की एक्स्ट्रा मात्रा मिल गई फिलहाल अभी वर्तमान समय का ऐसा संचय। तो इससे क्या होगा, चालकता का मान बढ़ेगा या घटेगा, इस पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो देखिए कौन कौन से चालकता है उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ पर ए बी के रूप में इसको लिख रहा हूँ। पहला तो हम देखें इसमें विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जिसको हम समझने के लिए लिखे थे इस प्रकार से, या इसको बनाया गया है ऐसा संकेत के रूप में कप्पा। तो ये क्या होता है पहले समझें इसको पुनः एक बार परिभाषा, एक घन सेंटीमीटर बिलियन, एक घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता, इसको क्या कहते हैं हम, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब दिमाग लगाइए या थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जब हम पानी मिला देंगे इसमें, मैं एक समझाने के इस प्रकार से बता रहा हूँ, तो अभी एक घन सेंटीमीटर है, मान लो उदाहरण के लिए 8 घन सेंटीमीटर और पानी मिला दिया गया एक्स्ट्रा, तो कितना घन बन जाएंगे, 9 घन बन जाएंगे, एक सरल उदाहरण ले रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, चलो 1 घन सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा मिला दिए तो क्या होगा, 2 घन सेंटीमीटर बन जाएंगे, 3 ml या 3 घन सेंटीमीटर पानी एक्स्ट्रा मिला दिया तो कितने बन जाएंगे, 4 घन सेंटीमीटर। अब ध्यान समझेंगे, अभी एक ही घन सेंटीमीटर की हम चर्चा कर रहे हैं, एक घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 1 घन सेंटीमीटर से, इसको मैं छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, फिर वही चित्र किस प्रकार से, ये छोटा चित्र बनाऊँ अभी, देखिए इधर से, अभी माल उदाहरण के लिए 1 घन सेंटीमीटर था, हमने टोटल 9 घन बना लिया, माने पानी एक्स्ट्रा मिला दिया, 8 घन सेंटीमीटर और मिला दिया तो 9 घन बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक एक भाग जो है 1-1 घन सेंटीमीटर है, 1 घन सेंटीमीटर,
कैसे हो रहा है ये चित्र साफ स्पष्ट हो, यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ से पता चलेगा जिसके बारे में हम पिछले कालखंड में चर्चा कर रहे थे। यह हो गया यहाँ पर, ये वाला पूरा एक अलग से इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हम कोई ढक्कन लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक समझने के लिए ये पूरा इतना भाग है, पूरे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक घन सेंटीमीटर है, न कि केवल इतना ही भाग, वो पीछे तरफ भी इसका है, हमको पीछे तरफ वाला भाग यहाँ पर चित्र दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो बताइए यहाँ पर अभी तक मैं समझाने के लिए एक उदाहरण बताया, मान लो एक घन सेंटीमीटर है, चलिए ये वाला लेते हैं अपन, एक घन सेंटीमीटर इतना वाला भाग, इसमें मान उदाहरण के लिए एक ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, चलिए एक उदाहरण के लिए लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 8 घन सेंटीमीटर और मिला, कितना बन गया टोटल 9 घन बन गए, तब वही जो एक ग्राम तुल्यांक पदार्थ था वो सब इसी पूरे जगह पर घुल गया, माने अब फैल गया है, उतना ही भाग पदार्थ तो उतना ही है लेकिन पानी के साथ घुल करके और वो ज्यादा संख्या में आ गया। मान लो उदाहरण के चलिए एक घन सेंटीमीटर में, मान लो समझने के यहां पर कह रहे हैं दशमलव एक ग्राम मोल, एक ग्राम मोल घुला हुआ है, एक ग्राम मोल किसने घुला है, मान लीजिए एक घन सेंटीमीटर, मैं दशमलव की बात कर रहा हूं, एक घन सेंटीमीटर में। अब हमने पानी मिला दिया, अब पानी मिला करके क्या कर दिया, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने 2 घन सेंटीमीटर बना दिया, माने एक घन सेंटीमीटर और हमने जोड़ दिया इसमें, तो कितने हो गए यहाँ पर 2 घन बन जाएंगे, यहाँ पर 2 घन सेंटीमीटर। तो यही जो पदार्थ था 0.1 ग्राम, मान लीजिए उदाहरण को समझने के बता रहा हूँ, मान लीजिए इसमें 1100 अणु थे, चलिए एक सौ उदाहरण लेते हैं, 100 अणु थे, तो 100 अणु घुले थे एक घन सेंटीमीटर में, तो वही अब 2 घन सेंटीमीटर बन जाएगा। तो पदार्थ तो यहाँ पर विलेय पदार्थ संख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि क्या हो रहा है वहां पर यही संख्या यहाँ पर बढ़ गई इसमें, तो 2 घन सेंटीमीटर तो दो जगह में आ जाएंगे, दो जगह में 2 घन में आ जाएंगे, तो ये संख्या क्या हो रहा है एक घन सेंटीमीटर में कम हो जा रहा है। तो सीधा सा सार क्या मिला, ये तनुता में वृद्धि करेंगे तो प्रति घन सेंटीमीटर, अर्थात प्रति घन सेंटीमीटर विलयन में विलेय की मात्रा कम हो जाएगी, विलेय की मात्रा कम होगी। कैसे होगा समझ आ गया होगा, अभी एक पुनः बता रहा हूं, यहां पर इतना में ही अब एक घन सेंटीमीटर इतना में पहले घुला था, मान 100 अणु हमने एक घन सेंटीमीटर बना दिया, तो यही जो 100 अणु थे यहां पर भी आ गए, हमारे 50-50 आ गए, सरल उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं, 100 अणु थे मान लीजिए एक घन सेंटीमीटर में, हमने क्या किया एक घन सेंटीमीटर और मिला दिया, तो कितना घन सेंटीमीटर बन गए, 2 घन सेंटीमीटर बन गए, और वही जो 100 थे अब दोनों जगह में आ गए, तो क्या हो गया बताओ 50-50 अणु आ गए, तो संख्या में क्या हो रही है बताओ, एक घन सेंटीमीटर में उसके मैंने मोलों की संख्या या मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए जब आयनों की संख्या कम होगी तो उसकी चालकता का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पर संक्षिप्त में कहेंगे इसमें सार में हो गया, प्रति घन सेंटीमीटर विलयन में विलेय की मात्रा कम हो जाएगी, कम लिख दीजिए कम होगी, और इसका रिजल्ट होगा चालकता में कमी। हम बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की, चालकता में कमी होगी। अब आगे लिखें दूसरा बी, तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तुल्यांक की चालकता क्या होता है, पहला सब पढ़ चुके हैं कप्पा, इसको पुनः लिख रहा हूं मैं, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुणित भी, देखिए यहां पर सीधा सीधा सूत्र है, तुल्यांक की चालकता आयतन और कप्पा विशिष्ट चालकता का गुणनफल होता है। यदि हम तनुता में वृद्धि कर रहे हैं माने आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो मैं केवल अभी के को कांस्टेंट कर रहा हूं समझने के लिए, या कर दे रहा हूं लेमडा इक्विवेलेंट समानुपाती, इसके बदले में कांस्टेंट है इसको हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये समानुपाती, तो क्या हो गया यहाँ पर ये भी, इसका सीधा मतलब क्या हो गया, ये जो है आपस में एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो आयतन बढ़ेगा विलयन का तो उसके तुल्यांक की चालकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये संक्षिप्त हो गया, इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा आयतन तनुता में वृद्धि से तुल्यांक की चालकता में वृद्धि होगी। लिख लीजिए इसको, तनुता में वृद्धि, तनुता में वृद्धि माने आयतन को बढ़ा रहे हैं,
वी का मान बढ़ेगा तो लेमडा इक्यू का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये लेमडा इक्यू मान तुलना की चालकता में वृद्धि होगी। तीसरा चले यहाँ पर तीसरा प्रकार की चालकता जिसको हम अभी कुछ समय के पहले हम यहाँ पर इसी चर्चा कर रहे हैं बार बार, चालकता कौन कौन से, मुख्य रूप से एक विशिष्ट चालकता, एक तुल्यांकी चालकता और एक मोलर चालकता। तो तीसरा चालकता नाम है इसका मोलर चालकता, और उस मोलर चालकता को हम लेमडा एम के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्या इसका है, इसका भी सेम सूत्र वही है, इसमें एक बार पुनः समझें, इसमें लेमडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा गुणित भी। तो देखिए सेम ठीक उसी प्रकार से जैसे हम तुल्यांकी चालकता बात कर रहे हैं, इसमें लेमडा एम इसको यदि मान लो कांस्टेंट कर देते हैं, ऑलरेडी कांस्टेंट है, कप्पा विशिष्ट चालकता है, यदि इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होता है, ये समानुपात बन जाएगा और ये आयतन क्या हो गया, समानुपाती में लेमडा एम। तो ये भी का मान बढ़ रहा है, भी का मान मान चालकता का मान वॉल्यूम, तो भी आयतन बढ़ रहे हैं तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से लेमडा एम का मान भी क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि होगा। दोनों को लिख लेंगे, संक्षिप्त में समझें, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ने के साथ साथ घटती है क्योंकि इकाई आयतन में या एक घन सेंटीमीटर बिलियन में आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। दूसरा, तुल्यांकी चालकता तनुता वृद्धि से तुल्यांकी चालकता का मान में वृद्धि होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो सीधा भी के समानुपाती होते हैं। तीसरा देखिए मोलर चालकता, मोलर चालकता भी का, और इसको दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं, आयतन और विशिष्ट चालकता गुणनफल है, क्या मोलर चालकता। तो जब यहाँ पर भी का मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को समझने के लिए हम इसको कांस्टेंट करके समझाएं इसमें। ये हो गया तीन प्रभाव। अब आगे हम इसको दूसरे तरीके से हम देखेंगे, तनुता का प्रभाव और अन्य प्रकार के चालकता के आधार पर। ये तनुता का ही प्रभाव हम आगे और थोड़ा विस्तृत रूप से समझें। ये तो सामान्य रूप से हम समझ गए कि कौन सा चालकता का मान बढ़ेगा, कौन सा चालकता का मान घटेगा। अब एक बचा हुआ है इसमें हमारा इसी का है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल। इसी में देखें तनुता का प्रभाव में प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा, यदि तनुता में वृद्धि करेंगे तो उसके चालक मोलर, इसके चालक मोलर चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसा लिखिए सीधा सीधा, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए है तनुता में वृद्धि, तनुता में वृद्धि, इसका रिजल्ट क्या मिला या मिलेगा, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों, खास करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोलर चालकता, मोलर चालकता में वृद्धि होती है। दुर्बल के देखें ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य जो है उसमें आयनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको हम शुरू में पढ़ चुके हैं अध्याय के, जब पहले टॉपिक पढ़े तो इसमें एक टॉपिक आया था प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये विद्युत अपघट्य जो अपने जली विलयन में या पिघली अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो ज्यादा आयनित होते हैं इसीलिए चालकता का मान भी ज्यादा होगा। दूसरा हम देखते हैं इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए परिभाषा हम देखते हैं इसमें, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसा विद्युत अपघट्य जो अपने जली विलयन में बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं। तो जब कम मात्रा में आयनित होंगे तो यहाँ पर तनुता में वृद्धि करेंगे, इसमें हम तो तनुता में वृद्धि कर रहे हैं फिलहाल, अभी एक उदाहरण के लिए तनुता में से कमी कभी कर सकते हैं, अभी हम इसको वृद्धि को देख रहे हैं। तो तनुता में जब वृद्धि करेंगे तो प्रबल विद्युत अपघट्य में के लिए लेमडा एम या मोलर चालकता का मान वृद्धि होते हैं, जबकि दुर्बल के लिए उसके मोलर चालकता के मान में कमी होगा या वृद्धि होगा, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी वृद्धि होता है और दुर्बल के लिए भी होता है, लेकिन प्रबल की तुलना में कम होता है। ये पॉइंट को थोड़ा समझ लें, इसमें दोनों में वृद्धि होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते जाएंगे कि किस प्रकार से वृद्धि होगी इसमें। इसको हम आइए एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें भी वृद्धि हो रही है, लेमडा में वृद्धि, लेकिन प्रबल का ज़्यादा और दुर्बल का कम होता है।
इसीलिए जब हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से, जहाँ पर रूट ओवर सी सांद्रता का वर्गमूल और मोलर चालकता के बीच में ग्राफ खींचे, जिसको लैम्डा एम कहते हैं, तो क्या होगा? देखिए जैसे एक जो प्रबल विद्युत भट्टी होता है, इस प्रकार से ग्राफ हमेशा ऊपर में रहेगा और वो भी स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल इस प्रकार से। समझाने के लिए ग्राफ के माध्यम समझ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए KCL को ले रहे, चलिए प्रबल विद्युत भट्टी है, प्रबल विद्युत अपघट्य, और देखो एसिटिक एसिड के नाम यहां पर लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड के लिए देखिए यहां पर कितना अंतर है। एसिटिक एसिड के इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें, तो एक ग्राफ हमको इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ये जो प्रबल वाला है, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं इसमें एसिटिक अम्ल CH3COH, एक ऐसा है यहाँ पर, ये दुर्बल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो उसका ग्राफ हमेशा नीचे में और स्ट्रेट लाइन में है इस प्रकार से। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों है इसको बारे में समझेंगे, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं प्रबल वाला और ये दुर्बल, दोनों के सांद्रता, देखो सांद्रता में तनुता में वृद्धि, इसका मतलब है सांद्रता में कमी, यहां समझेंगे इस बात को या तो हमको फिर समझ नहीं आएगा। सांद्रता, इसको मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, सी बराबर एक बटा भी, मेन संबंध इसका जो सूत्र है, सक्रिय मात्रा पढ़े हम इसके पांचवे चैप्टर में, सक्रिय मात्रा बराबर क्या होता है, सी बराबर हम क्या पढ़े थे, ऐसा एन बटा भी, मोलों की संख्या बताए थे, वो भी लीटर में था। अब इसी में एन का मान हम एक कर दें, चलिए एन बराबर क्या कर दें, एक, तो क्या होगा, एक बटा भी हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच में सी और भी के मध्य में क्या संबंध है, एक भी का मान बढ़ेगा तो सी का मान घटेगा, या भी का मान को कम करेंगे सी का मान बढ़ेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, तनुता में वृद्धि कर रहे हैं, माने भी का मान बढ़ रहा है तो सी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और सी का मान घटेगा तो देखिए इधर से ग्राफ इधर बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये जो लैम्डा एम का मान ये एक्स अक्ष है फिलहाल और ये वाई अक्ष है, तो ये मान क्या हो रहा है यहाँ पर एक्स अक्ष की ओर हम वर्गमूल में है, सी का केवल सी नहीं है, कैसा है ये वर्गमूल है, तो इधर जितना ये जीरो पॉइंट, जीरो माने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जीरो होगा, सांद्रण ये जीरो है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है सी का मान, लेकिन वर्गमूल के रूप में बढ़ रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से समझें, तो हम इधर वापस जितने जाते जाएंगे यहाँ पर सांद्रता का मान उतना ही कम होता जाएगा, सांद्रता का मान कम होगा, यहाँ से कम ज्यादा 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 इस प्रकार इधर हो रहा है, तो सांद्रता का मान तो कम हो रहा है क्योंकि हम तनुता में वृद्धि कर रहे हैं, पानी समझ रहे कि सीधा बोल रहा हूँ, पानी मिला रहे हैं तो उसमें तनु हो रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत जब यहाँ पर देख सकते इस प्रकार से दोनों के मान में वृद्धि हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं समझाने बता रहा हूँ, अभी इस पॉइंट पर ये पॉइंट यहाँ था और इसी में KCL का यहाँ पर था, एक निश्चित बिंदु यहाँ पर था, आप देख लीजिए जैसे कम के माने यहाँ पर आ गए तो क्या हो गया, यही तो तनुता है, तनुता में वृद्धि किए तो सांद्रता में क्या हो गया, कमी हो गया। तो देखिए यहाँ पर कम किए तो अब यहाँ से यहाँ पर तो धीरे धीरे क्या ऊपर चढ़ रहा है, और यहाँ पर देखिए पहले इस पॉइंट पर यहाँ पर था एक उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर जैसे कम किए तो यहाँ पर इसके समक्ष देखिए यहाँ पर आ चुका है ग्राफ, माने क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है का मतलब ये मत समझिए कि इधर से इस प्रकार से नहीं बढ़ रहा है, या कोई भी हम अभी जो पढ़ रहे हैं क्योंकि सांद्रता में यहाँ पर शुरुआत में कम था, तो इस प्रकार से अब जैसे सांद्रता के मान में कमी हो रहा है, इधर चल रहे कमी हो रहा है, क्यों, क्योंकि वर्गमूल के रूप में केवल सी होता तो बढ़ता, तो इस प्रकार से धीरे 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 क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो सार में क्या मिला, प्रबल और दुर्बल दोनों का बढ़ता है, लेकिन प्रबल का हम देखेंगे ज्यादा और दुर्बल का कम, ये इसका इसीलिए ग्राफ में ऊपर में है उसके ऊपर में, और नीचे वाला क्या है, ये दुर्बल वाला है हमेशा नीचे में, तो ग्राफ को देख कर समझ सकते हैं कि कौन सा होगा प्रबल और कौन सा होगा दुर्बल, ऊपर वाला प्रबल और वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और दुर्बल वाला स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे इस प्रकार से कर्व हो जाते हैं इसमें, इसको हम समझ सकते हैं ऐसा नाम दूसरे तरीके से रैखिक लाइनर, एक ही लाइनर में होगा प्रबल, यदि लाइनर नहीं है तो दुर्बल। ग्राफ को देखकर हमको समझना होगा कि रूट ओवर सी और लैम्डा एम के बीच में ग्राफ है। अब आगे चलिए इसी को, ये तो एक टॉपिक खत्म हो गया, एक टॉपिक का मतलब ये तनुता का प्रभाव हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम एक पॉइंट पर और चर्चा करेंगे इसमें, दूसरा एक कारण यहाँ पर देखिए, अब ग्राफ को मैं यहाँ पर अलग अलग रूप से बना रहा हूँ इसमें, इसी टॉपिक पर प्रबल और दुर्बल के लिए,
तनुता में वृद्धि कर रहे हैं। अब इसी तनुता में वृद्धि को समझाने के लिए यदि सी का मान लगभग जीरो कर दें, लगभग इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो हो गया, इसका मतलब अत्यंत तनु विलयन हो, तब किसी दिन सी का मान जीरो होगा। और सी के जीरो की स्थिति में यहां पर हम देखेंगे लेमडा एम का मान लेमडा इन्फिनिटीम, यहां पर एक शब्द आ रहा है लेमडा इन्फिनिटीम, इसको कहेंगे अनंत तनुता, ये इन्फिनिटी मान अनंत, और यहां पर ये जो लेमडा लिख रहे हैं इसको तनु, इसको चालकता पढ़ना है सीधा सीधा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये सामान्य स्थिति चालकता के लिए पढ़ना है, ये जो संकेत है इसका चालकता, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, कब, यदि C का मान लगभग जीरो हो जाए या पूरा जीरो कर दें दोनों कंडीशन पर, तो कैसा होगा देखिए, यहाँ पर ये C का मान यहाँ पर जीरो कर दें और इसमें हम लेमडा एम का मान खींचते हैं, इसमें ग्राफ करते हैं इसमें, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसको आप लोग यहाँ पर पहले नोट कर लीजिए। अब आगे यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि यदि सी का मान लगभग जीरो, यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा हम करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा देखिए यहाँ से ज्यादा कौन बढ़ रहा है, कोई ग्राफ को देखकर समझेंगे, यहाँ पर ये जो दुर्बल वाला ज्यादा बढ़ रहा है और प्रबल वाला एक निश्चित लाइन से बढ़ रहा है, क्या पर मैं चाहे इसको ऐसा बोल दिया था कि प्रबल वाला ज्यादा होता है दुर्बल का कम, ऐसा न होकर के क्या होगा, ये तनुता में वृद्धि करेंगे तो दुर्बल का ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है, ये जो है केवल एक निश्चित लाइन से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अचानक यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसमें, तो दुर्बल विद्युत घट्य तनुता बढ़ाने पर ज्यादा उसमें मोलर चालकता मान वृद्धि होती है, जबकि प्रबल वाले एक निश्चित धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते दोनों हैं इसमें, इसको सुधार लेंगे, दुर्बल वाला ज्यादा मान बढ़ेगा मोलर चालकता का मान और प्रबल वाला उसके तुलना में कम, तुलनात्मक इससे कम। अब आगे देखिए यदि लेमडा एम का मान लेमडा एम के मान के बराबर हो जाए, कब, यदि सी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसी स्थिति पर देखिए कैसा ग्राफ मिलेगा, केवल यहाँ पर प्रबल के लिए एक उदाहरण देखें इसमें, तो यहाँ तक तो हम अभी देखें इस प्रकार से ग्राफ, एक उदाहरण के लिए KCL का है, चलिए अब यहाँ पर HCl का भी ले सकते हैं, HCl का मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा ग्राफ यहाँ तक प्राप्त हमको y अक्ष को एक काटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष, तो क्या होगा इसमें जब c का मान होगा यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा, तब की स्थिति में ये जो है y अक्ष काट, इसीलिए हम इसको डेड डैश बना रहे हैं, देखिए इधर से इस प्रकार से डेड डैश, डेड डैश का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये मिलता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत में यहाँ पर देखेंगे इसमें इसको डेड डैश कर लीजिए सर, ये y अक्ष को काट रहा है, और यही है कब, देखिए c का मान यदि जीरो हो जाता है तब लेमडा एम का मान क्या होता है, लेमडा इन्फिनिटी के बराबर, कि c का मान जीरो हुआ तो अभी हम जो मोलर चालकता शब्द बोल रहे थे ये शब्द चेंज, और क्या करना है हमको अभी ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलना है हमको, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, शब्द बदल गया, अभी तक हम मोलर चालकता शब्द प्रयोग किए, अब C का मान जैसे जीरो हो जाता है तब यहाँ पर जो y अक्ष को काट रहा है वही क्या कहलाता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाता है। ऐसा ही हम इसको थोड़ा सा इसमें दुर्बल के लिए बोल देखें, यहाँ पर एक दुर्बल के लिए बनाया जा रहा है, कब, यदि सिचुएशन यहाँ पर कंडीशन है यदि लेमडा सॉरी सी का मान क्या कर दें, जीरो, ये देखिए इधर से सी का मान यहाँ पर जीरो कर देंगे तो ये ग्राफ यहाँ पर आपको मिलेगा इस प्रकार से, देखिए इधर से ये वाई अक्ष को नहीं काट रहा है, और नहीं काट रहा है का सीधा मतलब है यहाँ पर बढ़ तो रहा है लेकिन वाई अक्ष को नहीं काट रहा है, क्यों नहीं काट रहा है, क्योंकि तनुता में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे तो जो प्रबल विद्युत घट्य होता है पहले से पूर्णायित होते हैं, और तनुता में जब वृद्धि करेंगे तब सब लोग ध्यान समझेंगे, जैसे जैसे तनु करते जाएंगे तो चूंकि पानी जैसे मिला चुका है तो पूर्णतः विलयित हो चुका है, क्योंकि कैसा है वो प्रबल है,
प्रबल तो पूर्णतायित है पहले से, जब हम इसको तनु किए तो तनु करने पर क्या होगा, तनु करने पर उनके जो आयन है, जैसे यहाँ पर मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, मान लो अभी इतने आयतन में था तो यहाँ पर पास पास में थे, अब जैसे आयतन में वृद्धि के दिमाग यहाँ तक आ गया, समझाने के लिए तनु कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यही जो पूर्णता आयनित हो चुके थे उनके जो आयन होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही अलग से क्योंकि पहले से पूर्णता आयनित हो चुके हैं। मान उदाहरण के 1000 अणु पहले से इतने जगह पर, तो 1000 इतने एरिया में जितना भी बनाएगा समझाने के लिए इतना स्थान पर आ चुके हैं, तो अणु क्या होगा यहाँ पर, या अणु की जगह में आयन शब्द प्रयोग करेंगे, आयन इतने दूर दूर होंगे तो उनके अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो गया यहाँ पर, कम हो गया, माने ज्यादा दूर दूर होने के कारण से, इसी कारण से, लेकिन आयनन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर उनके आकर्षण बल के कारण से इस प्रकार से इसमें वृद्धि हो रहे हैं। जब जीरो हो जाएगा तब की स्थिति में वायु अक्ष को काट सकता है। अगला देखिए यहाँ पर इसी में दुर्बल के लिए, यदि यहाँ पर उसी तन्यता को वृद्धि करें तो क्या होगा, चूंकि कम पानी मिला था, समझने के सीधा कम तनु था तो उस स्थिति पर उसका पूर्णता आयनित नहीं था, अब जैसे जैसे पानी की मात्रा तनु करते, पानी की मात्रा की जगह शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तनु करते जाएंगे तब की स्थिति में उसके आयनन की मात्रा बढ़ती है। एक खास बात है, तनु में वृद्धि करेंगे तो चूंकि पहले से पूर्णता आयनित तो होते नहीं, तनु जैसे करते जाएंगे तो तनु करने पर क्या हो गया, तनु करने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो आयरन की मात्रा में वृद्धि, यहाँ पर आयरन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पर दुर्बल के लिए क्या होता है, आयरन की मात्रा में वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और इसलिए बहुत ज्यादा वृद्धि होते हैं इसीलिए ये ग्राफ हमको वायु अक्ष में काटता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी बात थोड़ा देखेगा इसमें आगे, इसका मान ये ग्राफ यहाँ पर क्यों नहीं कटा, तो आखिर में इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि जितना भी तनु कर रहे हैं 100% आयनित नहीं होता, यदि 100% आयनित नहीं हो रहा है तो वायु क्यों कभी भी नहीं काटेगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा, जीरो तभी होगा जब पूरे 100% क्या हो जाएंगे, आयनित होगा। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये वायु क्यों काट रहा है, क्योंकि लगभग 100% क्या होते हैं, आयनित होते हैं, बहुत ज़्यादा तनु करेंगे, तनु करते जाएंगे तो आखिर में ऐसा आएगा कि प्रबल विद्युत्य पूरी 100% वो आयनित हो जाते हैं, इसीलिए वायु क्यों क्या कर रहा है, वो काट रहा है, जबकि वायु क्यों नहीं काट रहा है, तो इसका कारण क्या समझे इसमें, कि अत्यंत तनु करने पर भी वह 100% आयनित नहीं होते, ये इसका रहा कारण। अब यहाँ पर वृद्धि क्यों हो रहा है, ज्यादा वृद्धि, तो उसका कारण क्या हो गया, तनु करने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, पहले कम था आयनन अब ज्यादा हो रहा है, इसमें शुरू से 100% आयनित हो चुके हैं लगभग, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ धीरे 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 बढ़ रहा है, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, तो सार में ये हम समझ सकते हैं कि दुर्बल वाले ज्यादा और प्रबल वाले कम वृद्धि होती है, कब, जब तनुता में वृद्धि करते हैं और मोलर चालकता के संबंध में देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर इसको हम ग्राफ के माध्यम समझाने का प्रयास करें, तनुता का ही प्रभाव है, इसी के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा, और सब लोग यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ऐसा ग्राफ बना लीजिए, रूट ओवर सी, एक सवाल है छोटा सा, लैम्डा ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ग्राफ ऐसे मिलता है, या ग्राफ इस प्रकार से हमको दिया हुआ है, ऐसे इस प्रकार से इसको डेड कर लेंगे शुरू में, इसको अलग अलग जगह बना सकते हैं, इसको ऐसा कर लेंगे और एक इस प्रकार से ऐसा कर लेंगे, ग्राफ इस प्रकार से अपने मन से मत बनाए, इस प्रकार से एक बार बनाने का प्रयास करें। अब यहाँ पर नाम दे रहे हैं इसके, मान लीजिए ए, इसका नाम है बी, ये ग्राफ का नाम है सी, और लास्ट वाला जो ग्राफ है लिखा हुआ क्या नाम है इसका, डी है। ये किसके मध्य में ग्राफ खींचा गया है, लैम्डा एम को वाई अक्ष में लेकर के, और रूट ओवर सी को हम कहाँ पर ले रहे हैं, एक्स अक्ष में। तो बताइए इसमें से ए बी सी और डी में प्रबल विद्युत भट्ट कौन है और दुर्बल कौन, प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा क्या हो यहां पर है, दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है,
इसका नाम हमको लिखना है। एक बार सोचिए आप, इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। चार नाम दिए, ए बी सी डी। अभी हम इसको अध्ययन कर रहे थे कि किसके मान में ज्यादा वृद्धि हो रही है। देखें तो किसके मान में ज्यादा वृद्धि हो रही है, देखिए यहाँ पर डी के मान में क्या हो रहा है बताओ, ज्यादा वृद्धि। अभी हालांकि पूरा नहीं मिला है, इसलिए हम क्यों समझाने के यहाँ पर लिख रहे हैं, वाई में इसको नहीं मिलाना है। तो डी वाला क्योंकि ज्यादा वृद्धि हो रहा है, और हम अभी समझे थे कि वो नीचे में मानता है, नीचे माने इसके ठीक इस स्तर के नीचे में। तो यहाँ पर डी सबसे क्या होगा बताओ, दुर्बल। इसको नोट कर लीजिए डी, ग्राफिक माध्यम समझ रहे हैं। सी क्या होगा और ए क्या होगा, थोड़ा सा तुलना करें, ए प्रबल है कि बी प्रबल है कि सी। एक तो उदाहरण समझते हैं कि हम कि डी दुर्बल हो चुका है, कहाँ से देखे कि वाई को काट नहीं रहा है, पहली बात, इसीलिए वो क्या है, वो दुर्बल है। दूसरी बात, ए बी और सी में से प्रबल कौन है, तो हम अभी समझ रहे थे इसमें वृद्धि होती है लेकिन धीरे धीरे वृद्धि होती है। यहाँ पर ऐसा शुरू से इन्फिनिटी नहीं होता या अनंत नहीं होता, अनंत तनता पर मोल चलता शुरुआत में नहीं होता जीरो पर, ऐसा वो तो बाद में मिलता हम। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से मान लो यहाँ से ऊपर तरफ ऐसे वृद्धि नहीं करता, ग्राफ के माध्यम समझा रहे हैं, जो अभी ग्राफ ए और बी लिखा हुआ है वो असंगत है, माने इस प्रकार से हमको प्राप्त नहीं होता। यदि वृद्धि भी होता है लेकिन सांद्रण का वर्गमूल लिखा हुआ है, तो सांद्रण का वर्गमूल है माने सांद्रता के मान में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो इसी कारण से इसके मान में धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, सांद्रण में वृद्धि, तो उसके जो मोलर चालकता के मान में धीरे धीरे क्या हो रहा है। इस प्रकार से एक नीचे तरफ हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होते हैं, स्ट्रेट लाइन माने इस प्रकार से सीधी रेखा है, लीनियर, ये हमको यहाँ पर समझना है। तो लीनियर क्यों मिला, रेखीय क्यों मिला, क्योंकि अभी तक तो पूरा लीनियर ही चल रहा है, रेखीय चल रहा है। यदि शुरू से असंगत वाला होता तो वो कहीं पर भी इस प्रकार से मुड़ सकता था, यहाँ तक जब आ चुका है धीरे 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 संगता को हम जब कम करते जा रहे हैं, तब तक ग्राफ तो एक ही प्रकार से मिल रहा है, तो आगे भी इसी प्रकार से मिलेगा। जब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ये माने इस प्रकार से ऊपर तरफ चढ़ रहा है ग्राफ, ये स्पष्ट होगा। तो बताइए यहाँ पर ए बी सी में से कौन सा होगा, सी, सी जो है सबसे प्रबल। इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होते भी नहीं, ए और बी जैसे यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से एक तार्किक प्रश्न हम समझ सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, ये समय आ गया होगा, लिख रहे नाम को, प्रबल विधवट सी है जबकि दुर्बल क्या होगा, डी है। ए और बी का यहाँ पर न प्रबल है न दुर्बल है, क्यों, क्योंकि ग्राफ में ऐसा हमको बताया नहीं गया इसमें, क्योंकि कोई भी ऐसा चाहे दुर्बल चाहे प्रबल ऐसा व्यवहार नहीं करते जो यहाँ पर ए और बी के संग के ग्राफ के माध्यम से समझाया गया इसमें। आगे चलें, इसमें टॉपिक है हमारा चालकता का मापन। चालकता का मापन किस प्रकार से करेंगे, चालकता को प्रभावित करने वाले, सॉरी, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और हैं। एक तो होगा हम अभी तक केवल तनुता के बारे में समझ रहे थे, दूसरा लिख लें यहाँ पर ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव से क्या होगा, ताप में वृद्धि होने से औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो चालकता के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, चालकता में वृद्धि। कब, जब हम ताप में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, ताप में वृद्धि से चालकता में वृद्धि होती है। चौथा यहां पर सही तीसरा, श्यानता या विलायक माध्यम का श्यानता। तो श्यानता होने से क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए कुछ द्रव विलायक रूप में ले जा रहे हैं, जल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, सूत्र इसका C2H5OH, ये विलायक है, मिथिल अल्कोहल C3OH है, तीन अभी समझने के तीन अलग अलग विलायक लिए हैं, तीनों की श्यानता अलग अलग है। अब इस पर हम विलयन बना रहे हैं, मान उदाहरण के लिए नमक को हम घोल रहे हैं तीनों में, जल में भी घोला, मिथिल अल्कोहल में घोला, एथिल अल्कोहल में, तो क्या होगा इसमें, इसकी जो श्यानता है उस पर डिपेंड करेगा कि जिसकी श्यानता कम होगी उस पर चालकता का मान ज्यादा होगा, माने ज्यादा गाढ़ा, इसको हम पूर्व कालखंड में पढ़ चुके हैं, श्यानता कम होने पर चालकता का मान अधिक होता है, इसका सार में है। श्यानता विलायक का है, केवल विलायक, ये तीनों अभी उदाहरण के लिए हम विलायक लिए हैं, विलायक, जल, मिथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, श्यानता का मान कम तो उसका रिजल्ट क्या मिला, चालकता का मान अधिक। अब देखेंगे इसमें जो जल है उसकी श्यानता सबसे कम,
थोड़ा समझ रहे हैं इसमें, तो इन तीनों में जल कम की सांद्रता कम होती है, तो जल और मेथी जल को बनाओगे तो जल में जब बनेगा, जैसे उदाहरण के नमक है, नमक हम जल में घोलें, इसी नमक को हम मेथी अल्कोहल में घोलें और इसी नमक को विलेय के रूप में अभी और मेथी अल्कोहल के यहाँ पर विलायक है, तो किसमें ज़्यादा चालकता होगी? जल में। क्यों? क्योंकि इसकी जो श्यानता होती है कैसी होती है, वो कम होती है। यहाँ पर श्यानता के आधार पर हम इसको समझ रहे हैं। आगे चलें, इसमें चौथा एक पॉइंट और हम इसमें लेंगे, खास करके आयनों के साइज पर, इसको मिटा रहा हूं मैं। चौथा पॉइंट लिखिए, आयनों का अमाप या साइज। प्रभावित करने कारक में है आयनों की अमाप, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं साइज। साइज का मतलब त्रिज्या से है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ लिथियम आयन, ये आयनों के बारे में है, और एक है सोडियम आयन। किसकी चालकता का मान ज़्यादा होगा? तो पहले देखते हैं, ये जो लिथियम आयन होते हैं, हम वर्ग में चलते हैं, तो लिथियम ऊपर में है पहले वर्ग में और सोडियम उसके नीचे में है। तो परमाणु का आकार देखेंगे तो ऊपर वाले परमाणु का आकार छोटा, वर्ग में नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बड़ा। तो आयन भी लगभग सोडियम से, लिथियम से सोडियम ही बड़ा होता है, मैं आयन के रूप में ही बोल रहा हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण के लिथियम का साइज मान लो इस प्रकार से है और सोडियम का साइज बड़ा ही होगा, ये साइज के बारे में बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जब इसको जल में घोलेंगे विलायक माध्यम में, अब आगे चलें विलायक माध्यम ले जाएं जिसमें घुला है, तो उसकी स्थिति में क्या होगा? जो छोटा साइज वाला, मैं समझा रहा कि यहाँ पर सीधा लिथियम बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा अणु जल से घिरे होते हैं। ये भी देखिए, यहाँ पर कि जल है, ज़्यादा अणु जल से घिरे होते हैं, माने अब जल योजित हो गया, जल जुड़ गया, तो उसका साइज बढ़ गया। जबकि जो सोडियम आयन है उसकी तुलनात्मक दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं तो उसके तुलना में कम अणु जल से घिरे होते हैं, जिसका आयन का साइज बड़ा होगा, जैसे सोडियम है और लिथियम में सोडियम, तो वो कम अणु जल से घिरते हैं, यही इसका सिद्धांत है। तो ये हो गया जल है, समझने के लिए मैं केवल ऐसा गोला बना रहा हूँ ताकि हमको समझ आए। तो यहाँ पर चित्र में देखें, कम सोडियम आयन कम अणु जल से घिरा हुआ है और लिथियम आयन जो जिसका साइज छोटा था अभी त्रिज्या के रूप में, वो अधिक अणु जल से घिरा हुआ है। तो जल योजित जो आयन होते हैं उसका साइज जिसका बड़ा होगा उसका वेग कम होगा, यहाँ पर ये वेग क्या होगा? कम। और जब यहाँ पर सोडियम का वेग क्या होगा? यहाँ पर अधिक होगा, वेलोसिटी। तो जिसकी वेग कम होती है उसकी चालकता कम होती है, ये सीधा सवाल है। वेग कम तो चालकता का मान भी कम, इसीलिए लिथियम आयन यदि को हम इसको पानी में घोले हैं तो इसका साइज क्या हम पढ़ रहे हैं, वेग कम हो गया तो चालकता का मान भी क्या हो गया? कम। चालकता कम क्यों? क्योंकि ज्यादा अणु जल से घिरा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करें, कोई व्यक्ति है उसको उसके तुलना में बहुत ज्यादा वजन उसके ऊपर लाद दिया जाए, तो स्वाभाविक बात है वो उतना स्पीड, मान लो दौड़ने के बात करेंगे तो उतना स्पीड नहीं दौड़ सकता। और कोई व्यक्ति कम उसके तुलना उसके भार मान शरीर की दृष्टि से हम उसको थोड़ा कम वजन ढोएं उसमें, तो स्वाभाविक बात है वो जितना क्षमता होता है उससे वो ज़्यादा दौड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, ये वजन ज़्यादा हो जाएगा पानी के कारण से, तो यहाँ पर वजन नहीं कहेंगे, जलयोजित जो आयन है उसके साइज बड़ा हो गया, हमको इस प्रकार से यहाँ पर रीजन देना है। अब बड़ा जो आयन था जिसका पहले से वो कम अणु जल से घिरे हैं, तो जलयोजित आयन का साइज कम हो गया पहले की तुलना में, यहाँ पर ये पहले की तुलना माने जिसका छोटा साइज था उसके तुलना में, जैसे लिथियम और सोडियम। तो ये किसका हो गया यहाँ पर? लिथियम का चालकता कम और सोडियम का चालकता का मान अधिक होगा, चालकता अधिक, ये रीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर सीधा कारण देंगे तो लिथियम आयन और सोडियम आयन में किसका वेग कम होगा? तो अभी हम सीधा बिना जल वाले की बात कर रहे हैं, जिसका आयन का साइज छोटा होगा उसका चालकता का मान कम होगा, दोनों का एक ही मतलब है। अब आगे देखते हैं इसमें चालकता का मापन किस प्रकार से करेंगे। तो हो गया चालकता को प्रभावित करने वाले कारक,
चालकता के मापन करने के लिए एक प्रकार का यहां पर जल प्रयोग होता है, जिसको अपन यहां पर नाम देते हैं चालकता जल। उसके बाद हम देखेंगे कैसा करते हैं, बात की बात है, पहले जिस विलायक में घोलते हैं तो वो जल ही होता है, और उस जल को क्या नाम दिया जाता है, चालकता जल कहते हैं, कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर। तो चालकता जल क्या है, संक्षिप्त में थोड़ा समझने का प्रयास करें, ऐसा जल जिसकी चालकता का मान बहुत ही कम होता है, चालकता अत्यंत कम होता है, वेरी लो, मान तो कम तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इतना होता है कि हम जिसका मापन करने जा रहे हैं चालकता का मापन करेंगे उसको प्रभावित करने वाला नहीं है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करें, मान लो कोई व्यक्ति 80 किलो किलोग्राम का है वजन, और उस पर कोई मान लो छोटा सा कागज के टुकड़ा को उसके शरीर में मान लो उदाहरण के चिपक गया है, छोटा सा हल्का सा तीन का कागज का भी, तो क्या उसके भार में कोई ज्यादा परिवर्तन होगा क्या, वृद्धि होगा क्या, बहुत ही कम, नहीं, नगण्य के रूप में हो सकता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान तो है, तो इतना कम है, हल्का है कि उसके भार की तुलना में बहुत ही नगण्य है। तो ऐसा इसमें भी है, एक तो हम जानते हैं शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होते हैं, क्योंकि पीएच मान कितना होता है, 7। दूसरी बात हम देखें उसकी चालकता को हम अत्यंत कम कर दी है, तो ऐसा जल जिसके चालकता का मान अत्यंत कम होता है, ऐसे जल को क्या कहा गया है, चालकता जल। और ऐसे जल में ही उस विलेय को घोला जाता है या विलेय करते हैं, और आयन का हमको यहाँ पर क्या ज्ञात किया जाता है, इसका चालकता का मापन करते हैं। तो यहाँ पर कितना मान होता है देखिए, 0.043 × 10⁻⁶। और चालकता के लिए यहाँ पर चालकता मतलब विद्युत चालकता है, तो इसके लिए हम क्या किसके प्रयोग करते हैं, प्रति ओम, इसी को हम MHO भी लिखते हैं, इकाई को लिख लेंगे 0.043 × 10⁻⁶ पर ओम, या सीमेंस भी बोल सकते हैं, ये चालकता के लिए होगी यहाँ पर, सॉरी सीमेंस नहीं, हाँ सीमेंस लिख सकते हैं हम, पर ओम है, तो अभी फिलहाल हम ओम के रूप में लिख रहे हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, चालकता, वही है विद्युत चालकता और वही है पृथ्वी चालकता। तो मान यहाँ पर हो गया 0.043 × 10⁻⁶ पर ओम। तो ऐसे जल को क्या नाम दिया गया है, चालकता जल, अत्यंत कम माने ये बहुत ही कम है। अब कैसे बनाते हैं, कई विधियां हैं, उसमें से एक सामान्य विधि है कि सामान्य विधि के तौर पर जो शुद्ध, जिसमें हम सामान्यतः इसको समझेंगे शुद्ध जल। शुद्ध जल का सीधा सीधा मतलब हम किसे समझते हैं खास करके, कि जिसमें चालकता का मान बहुत ही कम होता है, माने अम्लता जितनी होती है वो क्षारीयता का मान भी क्या होता है, उतनी होती है। जिसको हम और थोड़ा सा समझें, डिस्टिल वाटर। अब शुद्ध जल को बदल कर शब्द यहाँ पर देते हैं, जैसे क्या हो गया यहाँ पर, अशुद्ध जल। हालांकि अशुद्ध जल एकदम शुद्ध नहीं होता, शुद्ध माने तो होता है जिसमें अशुद्धि ही ना हो, उसी को शुद्ध बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द को फिर से चेंज कर सकते हैं अपन, अशुद्ध जल कहें ज्यादा बेटर होगा। चलिए अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, इसमें हम मिलाते हैं थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये जो है ऑक्सीकारक के रूप में तो होते हैं पानी में घोलने पर, लेकिन हम अभी यहाँ पर इसको चालकता को कम करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और मिला करके कांच होता है, बहुत मोटे कांच, मजबूत कांच, जिसका नाम होता है पायरेक्स कांच। ये मजबूत होता है ताकि गर्म जितना भी करें वो टूटे मत, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पायरेक्स कांच लेकर के हम एक बार, कम से कम एक बार आसवन कर दें, एक बार आसवन, डिस्टिलेशन कर दें, आसवन माने जो पानी है उसको भाप बना दें गर्म करके, और भाप को फिर ठंडा कर दें, तो फिर प्रयोग बन जाए, और वो जो जल प्राप्त होगा, वो जल कौन सा प्राप्त होगा, ये चालकता जल हमको यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ पर लास्ट में जो बन रहा है वो चालकता जल होगा। ये साधारण तरीका, ऐसे और ढेर सारी विधियाँ हैं, इनमें से एक सरल तरीका है कि हम जब विलयन की चालकता मापन करते हैं तो ये सामान्य विधि के द्वारा हम इसको ऐसा चालकता जल प्राप्त कर सकते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए अब आगे एक विधि होती है, पहले समझें यहाँ पर चालकता बराबर क्या होता है। चालकता पर चूंकि हम सी एक बटा क्या होता है R, इसको शब्दों में कहेंगे तो R माने क्या होता है, R का मतलब प्रतिरोध,
माने हमको जब चालकता का मान ज्ञात करना है तो किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, पहले प्रतिरोध, उस विलयन का, विद्युत विलयन का हमको पहले प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, और उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, सवाल अब आगे जारी होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक फिजिक्स में उपकरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक तार या कोई तार दिया है, प्रतिरोध तार भी समझ सकते हैं, तो एक प्रतिरोध तार है तो उसको हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का उपयोग करते हैं, उपकरण ही है, इसको हम मीटर सेतु भी कहते हैं, उसी की सहायता से, और उसका सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें, इसको संक्षिप्त में हम यहाँ पर समझेंगे। उसमें चार भुजाएं होती हैं, मैं संक्षिप्त में केवल यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ए बी सी डी, ये चार भुजाएं, इसमें प्रतिरोध है इस प्रकार से। देखिए पहली भुजा है, नाम है इसका पी, इसका प्रतिरोध का मान। दूसरी भुजा बी से सी, इसका क्यू है प्रतिरोध का मान। ये तीसरी भुजा है ए डी, इसका प्रतिरोध क्यू पी के बारे में क्या है आर। और चौथी भुजा डी सी, इसका प्रतिरोध का मान एस है। तो इसमें पी क्यू और एस, माने पहली भुजा, दूसरी भुजा और चौथी भुजा, ये ज्ञात वाले, मैं जो टिक लगा दिया हूँ समझने के लिए, ज्ञात प्रतिरोध वाले हैं। और जो तीसरा वाला है क्या है, वो अज्ञात है, जो कि यहाँ पर ए और डी के बीच में है। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे उपकरण के साथ हम ज्ञात करेंगे, हम इसको अगले कालखंड में समझेंगे। तो आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और साथ साथ चालकता का मापन कैसे करना है, इसके बारे में अभी संक्षिप्त हम पढ़े हैं। आगे अगले कालखंड में हम इसके व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम इसको ज्ञात करेंगे और इसके उपकरण बारे में समझेंगे। धन्यवाद।